Okay, so now we are starting with the transistors part. Mostly student is part ko option mein rakhte hain, mostly. But for CET, we don't have to learn anything. In CET, we don't have to write anything, okay? So CET mein what you must know, those things I'm going to explain over here. If you know these things, you can solve all the questions, right? So first, transistor ka construction kya hota hai? Transistor kya hota hai? Bada semiconductor lete hai. Aur usko is side se एक टाइप का डोपिंग पी टाइप, इस साइड से पी टाइप का और बीच से एन टाइप का. सो पी एन पी एक तो हो सकता है या फिर दोनों साइड से एन एन बीच में पी. सो बेसिकली पी एन पी और एन पी एन ऐसे टाइप में डोपिंग कर सकते हैं. ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड तीन पार्ट होते हैं ट्रांजिस्टर में, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एमिटर, मिडिल वन इज कॉल्ड एज बेस, सी इज कॉल्ड एज कलेक्टर. अब देखो डोपिंग लेवल वाइज एमिटर इज ऑलवेज हेविली डोप्ड. एमिटर एमिट करने वाला है, सो उसके पास बहुत सारे चार्ज कैरियर्स चाहिए, सो इट इज हेविली डोप्ड. कलेक्टर कलेक्ट करने वाला है, राइट? सो कलेक्टर अगर कलेक्ट करने वाला है तो उसमें मॉडरेटली डोपिंग होता है, और बेस थिन होता है बहुत, उसमें बहुत लाइटली डोपिंग होता है. अब देखो एमिटर हेविली डोप्ड होता है वो साइज में, लेकिन मॉडरेट होता है. परत एकदा सांगतो, डोपिंग लेवल हेविली डोप्ड, वेरी वेरी लाइटली डोप्ड एंड मॉडरेटली डोप्ड, बट साइज वाइज मॉडरेट इन साइज, वेरी वेरी थिन एंड दिस इज वेरी लार्ज इन साइज. वाई कलेक्टर इज लार्ज? बिकॉज इट वॉन्ट्स टू कलेक्ट द चार्जेस, सो इट इज लार्ज इन साइज, इट इज अ गुड कलेक्टर. कलेक्टर बेस एमिटर ऐसे होता है, राइट? इधर अ ट्रांजिस्टर विल बी अ पी एन पी ट्रांजिस्टर और अ ट्रांजिस्टर विल बी अ एन पी एन ट्रांजिस्टर. ये छोड़ के एन एन पी 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 एन ऐसे नहीं होता है, ऑल्टरनेट ही होते हैं पी एन पी और एन पी एन, दीज आर ओनली टू ट्रांजिस्टर्स. अब डायोड का सिम्बॉल एवरी वन नोज, वी हैव सीन डायोड का सिम्बॉल. वी नो सिम्बॉल ऑफ अ रेजिस्टर, राइट? वी नो सिंबल ऑफ इंडक्टर, वी नो सिंबल ऑफ कैपेसिटर. वैसे ही ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. देखो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है. अब ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस और कलेक्टर तीन टर्मिनल होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर. तो ये जो बीच की लाइन है ना, ये कभी भी बेस बोलते हैं इसको, बेस, करेक्ट? अब ये एमिटर है तो ये कलेक्टर बनेगा, ये एमिटर है तो ये कलेक्टर बनेगा. नाउ इट डिपेंड्स, ऐसे कुछ नहीं कि ऊपर एक क्या चाहिए, नीचे एमिटर चाहिए, ऊपर कलेक्टर चाहिए, ऐसे कुछ रूल नहीं. यू कैन पुट एमिटर एनीवेयर. लेकिन अगर मैं एमिटर यहाँ बोलता हूँ एमिटर, तो ये बेस बन, ये कलेक्टर बन जाएगा, करेक्ट? लेकिन ये बेस एमिटर कलेक्टर एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज अ सिंपल एरो विल टेल यू कि कौन एमिटर, कौन बेस, कौन कलेक्टर. ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो लाइन है ये ऑलवेज दिस इज द बेस. और अगर मैं ऐसे एरो दिखाता हूँ, एरो एरो, ये दोनों लाइन में से एक ही लाइन पर दिखा सकते हैं. अगर मैंने एरो ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब क्या है कि एरो जिस डायरेक्शन में है, एरो एरो जिस लाइन पे है, ऑटोमेटिकली ये बेस तो है ही, तो ये बन जाता है एमिटर. एरो इज ऑलवेज शोन बिटवीन बेस एमिटर जंक्शन, एरो इज ऑलवेज शोन बिटवीन बेस एमिटर जंक्शन, सो ये अपने आप कलेक्टर बनेगा. नाउ आई विल शो यू सम अदर वन. अगर मैंने एरो ऐसे दिखाया तो ये तो बेस होना चाहिए, बेस है ये, कलेक्टर कौन है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है. सो एरो इज ऑलवेज बिटवीन बेस एमिटर जंक्शन, करेक्ट? बेस एमिटर के बीच में एरो है. अब ये एरो और एक चीज बताता है कि ये पीएनपी है या एनपीएन है. कैसे बताता है? देखो करंट, टेल मी करंट कहां से कहां फ्लो होता है. करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. इसका मतलब ये बेस होना चाहिए पॉजिटिव और ये होना चाहिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है. तो बताओ ये कौन सा है? अगर ये एरो ऐसे है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एनपीएनपी ट्रांजिस्टर. ये पीएनपी है, ये एनपीएन है, राइट? ये सिंबल ऐसे है, बेस से एमिटर के डायरेक्शन ही एरो दिखा सकते हैं. रिमेंबर ये इसका ओरिएंटेशन ऐसे रोटेट किया, कभी कभी सिंबल ऐसे भी दिखेंगे, ओके? ऐसे भी सिंबल हो सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं. सो बेसिकली ऑल पॉसिबल रोटेशंस आर फाइन. इसको ऑल रोटेट कर दिया तो ऐसे भी दिख सकता है वो. ऑल आर सिंबल्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ऑल आर दी सिंबल्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, राइट? सो ट्रांजिस्टर एक कंस्ट्रक्शन उसका क्या है, तीन पार्ट होते हैं उसमें, एमिटर बेस कलेक्टर. एमिटर का साइज मॉडरेट, डोपिंग हाई. बेस का साइज थिन, डोपिंग लेस. कलेक्टर का साइज लार्ज लेकिन डोपिंग मॉडरेट. उसके दो टाइप्स पी एन पी, एन पी एन और उसके सिंबल्स. नाउ वंस वी आर डन विद दिस, दूसरा है उसके मोड्स. ट्रांजिस्टर के मोड्स क्या है, मोड्स ऑफ कनेक्शन. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पी एन जंक्शन डायोड, इफ़ यू कंसिडर अ पी एन जंक्शन डायोड, तो पी एन जंक्शन डायोड में यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू कनेक्ट इट विथ अ पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव. मीन्स दो टर्मिनल है और दोनों बैटरी के टर्मिनल को ज्वाइन ही करना है लास्ट में जाके, फॉरवर्ड करो या रिवर्स करो. लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या सीन है, देखो ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स हैं, सो ऑब्वियसली दो बैटरी लगेंगे कम से कम. तो अगर मैंने बैटरी यहाँ पर यूज़ की, तो मैंने बेस
और एमिटर के बीच में बैटरी कनेक्ट की है, और मैंने यहाँ पे एक बैटरी यूज़ की, तो ये कलेक्टर और बेस के बीच में बैटरी यूज़ की है। मतलब मैंने यहाँ पे कॉमन क्या लिया है, कॉमन मैंने बेस लिया है, लेकिन मैं वही कॉमन एमिटर भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एमिटर एज कॉमन, राइट, एमिटर बेस कलेक्टर, आई कैन टेक एमिटर कॉमन, एमिटर में से एक कनेक्शन दूंगा बेस को, एक कनेक्शन दूंगा कलेक्टर को, ये कौन सा हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन बेस है। वैसे ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ मैं, आई विल शो यू कॉमन कलेक्टर कैसे दिखेगा। ई बी सी देन सी में से एक वायर जाएगी बेस को, सी में से एक वायर आएगी एमिटर को, सो दिस विल बिकम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो थ्री टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस देयर आर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, राइट। मोस्टली कॉमन एमिटर वी नॉर्मली यूज, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्टली यूज, ओके। वी डोंट हैव इन डिटेल कि उन कॉन्फ़िगरेशन में वॉट एग्जैक्ट डिफरेंसेस आर। राइट नाउ यू मस्ट नो कि देर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और सबसे मेन पॉइंट अभी इस लेसन में है कि ट्रांजिस्टर का एक्शन, उसके फॉर्मूले, उसका वर्किंग देखो। अगर मैंने एमिटर में सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज स्प्रे किया, सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज पुश किया, फॉर एग्जाम्पल 100 चार्ज पुश किया मैंने, ओके, इफ़ आई पुश 100 इलेक्ट्रॉन्स, इफ आई पुश 100 इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर, 100 इलेक्ट्रॉन्स एज दे विल क्रॉस दिस जंक्शन, 100 इलेक्ट्रॉन एज दे विल क्रॉस दिस जंक्शन, दे विल कम इन टू विच रीजन नाउ, दे विल कम इन टू बेस, वो बेस में आ जाएंगे। लेकिन बेस में आने पे वॉट दे विल ऑब्जर्व कि भाई बेस में तो बहुत कम चार्जेस है, बहुत कम डोपिंग है, सो आउट ऑफ 100 वेरी लेस नंबर ऑफ चार्जेस से ओनली 2 चार्जेस विल constitute the base current, remaining 98 will get drifted along this, और यहाँ पे 98 electrons बाहर निकल जाएंगे। So what I can practically say कि collect emitter में जो current pass होता है वो दो current में बढ़ जाता है, base current and collector current, IE is IB plus IC, again I will write what is the equation, basically this is the Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law, कि IE is IB plus IC, correct, IE is IB plus IC. Now, from this we define two ratios, current ratios बोलते हैं उनको, current ratios, we define, इसका definition है, ये you have to learn this, दो ratio define करते हैं, एक को बोलते हैं alpha, एक को बोलते हैं beta, and देखो, कैसे उनके formula है, current ratios में we always take output, we always take IC on the numerator, ये जो IC है ना, वो numerator में ही लेते हैं, denominator में alpha के लिए we use IE, IE यूज करते हैं अल्फा के लिए, और बीटा के लिए वी यूज IB। सो ऑब्जर्व करो केयरफुली, अगर IE डिनोमिनेटर में है, IB कितना है, एग्जांपल देखो इसमें 100 इज इक्वल टू 2 प्लस 98, तो यहाँ पे अल्फा कितना आएगा, 98, IC 98 है राइट, अपॉन 100 इज 0.98। कैन यू टेल मी अल्फा की वैल्यू कभी 1 हो सकती है क्या, अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, IC इक्वल टू IE हो सकता है क्या, मतलब कब होगा वो, अगर 100 मैंने दिया तो IB गया ही नहीं, सब कुछ यहाँ पे पास हो गया, तो 1 हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अल्फा कैनॉट एक्सीड वन, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, करेक्ट, 0 और 1 के बीच में। लेकिन बीटा देखो, बीटा में एग्जांपल में ये जो बीटा है वो 98 है IC अपॉन IB तो 2 है, सो 49 है, सो बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकती, इट कैन गो अप टू 500 एज वेल, सो बीटा इज़ वेरी वेरी लार्ज। अल्फा एंड बीटा आर दीज टू इंपॉर्टेंट रेशियोज दैट यू मस्ट नो। वॉट इज अल्फा, अगेन आई विल रिपीट, वॉट इज अल्फा, इट इज़ द करंट रेशियो, विच करंट रेशियो, IC बाय IE, यू हैव टू लर्न इट नाउ, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें कैसे आया क्या है, यू हैव टू लर्न इट। What is beta? It is IC by IB. What is alpha? It is IC by IE. And इनके बीच में relation if you want to establish कि what is the relation between them, I will give you a very simple trick. IE is equal to IB plus IC. Correct? अब ये जो equation है, इसमें से I want to derive relation between alpha and beta. Simple. Alpha and beta में which quantity is common? IC कॉमन है ना दोनों में, सो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय IC, आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय IC, IC से डिवाइड करता हूँ, सो दिस विल बिकम IE बाय IC, IE बाय IC बेसिकली इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, सो 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू IB बाय IC, व्हाट इज IB बाय IC, IC बाय IB बीटा है, सो IB बाय IC विल बी उसका रेसिप्रोकल, 1 बाय बीटा प्लस IC बाय IC तो 1 है, ये बन गया उनके बीच का रिलेशन, 1 बाय अल्फा इज 1 बाय बीटा प्लस 1, सो अगर सिर्फ अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है, अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा कैसे दिखेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 प्लस बीटा बाय बीटा इज 1 बाय अल्फा, सो अल्फा इज
बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, दिस इज हाउ यू कैन राइट अल्फा. सिमिलरली बीटा भी कैसे लिख सकते हैं, इफ यू सॉल्व दिस प्रॉपरली यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा. दिस इज हाउ बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा. न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं. इन 2018 MHTCET देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द फॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ओके, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ट्रांजिस्टर एक्शन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एक्शन. एंड नाउ उसके तीन एप्लीकेशंस. फर्स्ट इज हाउ इट इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, हाउ इट इज यूज्ड एज स्विच, एंड देन लास्ट इज ऑसिलेटर्स. और वो होने के बाद लास्ट जो बचता है दैट इज लॉजिक गेट्स. ओके, सो द नेक्स्ट थ्री एप्लीकेशंस आर एम्पलीफायर्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, स्विच एंड ऑसिलेटर्स. ये तीनों एप्लीकेशंस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. 2018 सीईटी में इस पे क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था एक एक्चुअली इसके ऊपर, एम्पलीफायर के ऊपर. ओके, सो व्हाट बेसिकली एम्पलीफायर इज, यू मस्ट नो वेरी बेसिक थिंग्स, यू मस्ट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, उतना ही बताऊंगा. एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर इज समथिंग विच एम्पलीफाइज द सिग्नल, वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला होता है एम्पलीफायर. अब एम्पलीफायर जब यूज करते हैं तो एम्पलीफायर के अंदर होता है ट्रांजिस्टर, बेसिकली ये ट्रांजिस्टर का ही एप्लीकेशन है ना. सो एम्पलीफायर एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है. वो जो ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांजिस्टर, रिमेंबर एवरी ट्रांजिस्टर वर्क्स इन थ्री डिफरेंट रीजन, ट्रांजिस्टर के तीन अलग अलग रीजन में वर्क कर सकता है. ट्रांजिस्टर के तीन रीजन कौन से है, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन. ऐसे तीन रीजन होते हैं. राइट नाउ डिटेलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ट्रांजिस्टर तीन अलग अलग रीजन में वर्क कर सकता है, जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वैसे ही ट्रांजिस्टर तीन रीजन में वर्क करता है, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन. अगर तुम्हें वो एम्पलीफायर जैसे यूज़ करना है तो उसको एक्टिव रीजन में ही कनेक्ट करो, यूज इट इन एक्टिव रीजन, इट विल वर्क एज एम्पलीफायर. एम्पलीफायर वर्क करने के लिए वो कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट करना चाहिए. कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, ऐसे तीन मोड देखे थे. तो कॉमन एमिटर मोड में उसको यूज करते हैं, कॉमन एमिटर मोड. और ट्रांजिस्टर जब देखे, दिखा है अपन ने एमिटर, बेस, कलेक्टर, उसको दो जंक्शन होते हैं ना. ये जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन है, ये जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन है. एमिटर बेस, कलेक्टर बेस, ये दोनों जंक्शन में से ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है. एमिटर बेस जंक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड बायस. और ये जंक्शन होता है रिवर्स बायस, ये दूसरा वाला जंक्शन होता है रिवर्स बायस. रिवर्स बायस फॉर ट्रांजिस्टर टू वर्क एज एम्पलीफायर, दीज थिंग्स यू मस्ट नो. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या चीज़ है, देखो ये वोल्टेज गेन करता है. मतलब क्या कि अगर मैंने सिंपल एक इनपुट दिया 2 वोल्ट का, छोटा सा वेरी वेरी माइल्ड सिग्नल 2 वोल्ट का, एंड इफ आई वॉन्ट टू एम्पलीफाई 100 टाइम्स तो मुझे आउटपुट पे कितना मिलेगा, 200 वोल्ट. तो इसमें गेन कितना हुआ, गेन हुआ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दैट इज 100 का गेन हुआ. सो गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज जो मिलना चाहिए अपॉन इनपुट वोल्टेज जो प्रोवाइड किया है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. लेकिन उसका फॉर्मूला तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, वी इक्वल्स टू आउटपुट करंट, आउटपुट करंट इज ऑलवेज कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट आईसी इनटू लोड रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. क्या होगा, इनपुट करंट जो बेस करंट है, इनपुट करंट इज अ बेस करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस. नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न, इसको कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू लर्न इट. सो अगर ये फॉर्मूला है तो इसमें केयरफुली देखो, ये फॉर्मूला किसका है, बीटा है ना ये तो. सो बीटा इनटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज गेन. 2018 सीईटी में इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल आया था, एमसीक्यू आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस. एम्पलीफायर एज ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, व्हाट थिंग्स यू मस्ट नो, व्हाट इज एम्पलीफायर, इट मैग्नीफाइज द सिग्नल. सेकंड, इट इज, इट वर्क्स इन विच रीजन, एक्टिव रीजन. थर्ड पॉइंट, कैसे कनेक्ट करते हैं, कॉमन एमिटर मोड पे. फोर्थ पॉइंट, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स. फिफ्थ पॉइंट, उसका फॉर्मूला गेन का, गेन मतलब क्या, कितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ाना है आउटपुट अपॉन इनपुट, ओम्स लॉ यूज किया, इसको डाल दिया फॉर्मूला बीटा. सेकेंड इज स्विच. अब ये स्विच क्या होता है, बेसिकली एवरीवन नोज व्हाट इज अ स्विच, ऑन ऑफ. टिकटॉक वाला जो स्विच होता है, दैट स्विच इज कॉल्ड एज अ मेक एंड ब्रेक स्विच. मेक एंड ब्रेक स्विच में क्या करते हैं, जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो कॉन्टैक्ट जनरेट होता है, क्लोज करते हैं तो कॉन्टैक्ट रिलीज होता है. लेकिन हाई पावर डिवाइस जो होते हैं उनमें मेक एंड ब्रेक वोंट वर्क, बिकॉज हाई वोल्टेज पे अगर गैप भी क्रिएट किया उसमें स्पार्क जनरेट हो सकता है. सो उस केस में वी यूज सच स्विचेस जिनमें मेक एंड ब्रेक होता ही नहीं है, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज करते हैं. ओके, वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच
when high power device is used or else when high frequency on off करना है. अगर high frequency पे on and off करना है एक चीज़ को, in that case we can use this transistor as a switch. Transistor as a switch में we are not going to go into details what is required, I'll tell you. It works. देखो मैंने already बताया transistor के तीन regions होते हैं work करने को, active, cut off, saturation. Active में अगर work करता है तो वो amplifier है. अगर वो cut off या saturation में work करता है तो वो कौन है? Switch है. तो switch, जब transistors when we use it as a switch, it works in cut off region or it works in saturation region. तो switch जब on होता है, on switch मतलब switch on है तो saturation region में वो present है, या फिर switch अगर off है तो वो cut off region में. Easy to remember, switch off, cut off. When the transistor switch is off, we say the transistor is right now in cut off region. Right? So switch on, switch off. Cut off region basically, I'll just give you idea. अगर input ही नहीं दिया transistor को, we call it as a cut off region. Transistor off है, so no current will flow. No, the circuit is off. Basically switch is off. Okay? So this is switch, this is amplifier. And the last application is an oscillator. What is oscillator? देखो, oscillator क्या होता है? I will give you simple example. ये amplifier है. I will consider ये box जो है, ये amplifier. ये amplifier. Amplifier को अगर work करना है, तो उसको कुछ तो इनपुट देना पड़ता है. ओके, यहाँ से मैं छोटा सा सिग्नल देता हूँ, आई विल गिव यू अ वेरी वेरी स्मॉल सिग्नल, जैसे कि 2 वोल्ट दिया मैंने, और आउटपुट में मुझे कितना मिला? यहाँ पे आउटपुट में आई गेट अ लार्ज वोल्टेज. करेक्ट, दिस इज व्हाट एम्पलीफायर डज. और अभी गेन कितना है उसका? आई विल कॉल गेन एज आउटपुट अपॉन इनपुट. सो दिस इज गेन, गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर. ओके, दिस इज द गेन ऑफ एम्पलीफायर. लेकिन आई थिंक कि भाई मेरे को और गेन बढ़ाना है, देन इन दैट केस व्हाट जनरली वी डू इज वी टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ आउटपुट, आउटपुट में से थोड़ा सा पार्ट वी रिमूव एंड वी गिव इट थ्रू अ नेटवर्क कॉल्ड एज फीडबैक नेटवर्क. फीडबैक नेटवर्क एक नेटवर्क होता है, डोंट वरी, उससे वो इनपुट में फिर से दे देते हैं अपन. वी रिमूव सर्टन पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड वी गिव इट टू द इनपुट सिग्नल. ऐसे करने पे क्या होता है वी डोंट नो, बट ऐसे करने पे इट इज फाउंड दैट द गेन इज इंक्रीज. ये नया गेन जो है ना, इसको ए एफ बोलते हैं. ए एफ गेन, गेन विथ फीडबैक, फीडबैक नेटवर्क, विथ फीडबैक नेटवर्क गेन बढ़ गया. अब ये बढ़ा हुआ गेन है, ये ओरिजिनल गेन है. तो ओरिजिनल गेन और बढ़ा हुआ गेन में व्हाट इज द रिलेशन? दैट रिलेशन इज इन दिस वे, द गेन विथ विथ फीडबैक इज इक्वल टू ओरिजिनल गेन अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू ओरिजिनल गेन. दिस इज द फॉर्मूला. यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व डिनोमिनेटर 1 से कम है, सो ये ग्रेटर है, ए एफ ग्रेटर देन ए है. एंड ये जो कंडीशन है, अब इसको देखो, इफ आई से, इफ यहां पे लिखता हूं जगह है तो, इफ If denominator 1 minus beta into A becomes 0, remember ये जो beta है, this beta is not this beta, I see by, ये अलग beta है. ये beta क्या है? ये beta का नाम है, beta is called as feedback, feedback factor, it is called as feedback factor. Okay, ये जो beta है, it is not the current ratio, this beta is different. ये जो beta है, if it happens कि ये denominator अगर 0 होता है, मतलब beta into A अगर 1 होता है, इस point पे AF कितना हो जाएगा? The gain will be infinity, infinity gain हो जाएगा. We say that this circuit goes into oscillation, it goes into oscillations. And this criteria is called as Barkhausen's criteria, Barkhausen's criteria. It is Barkhausen's criterion. Okay? When A into B is equal to 1, denominator becomes 0. This is called as Barkhausen's criteria. Whether these terms are clear, this is all what you must know. Ye jitna likha hai is pe itna hi tumhe pata hona chahiye for applications of transistor. This is enough to score full marks in CET exam. Remember, is pe do questions aate hai every year on semiconductors. Aur abhi last part jo bacha hai, which is your favorite part, that is nothing but gates. Okay, so the last part of this particular topic is logic gates. Logic gates mein, what you must know, already we have studied in mathematical logic, ki there are different conjunctions like and, or. So, aise hi yahan pe gates hote hai. AND gate kya hota hai basically? Agar dono inputs, okay, AND gate kaise hota hai, dekho. If this is input A, if this is input A and this is input B, अगर ये इनपुट लो है, ये भी लो है, तो आउटपुट भी लो है.
आउटपुट को वाई बोलेंगे अपन वाई. इफ वन इनपुट इज लो अदर इनपुट इज हाई स्टिल द आउटपुट इज लो. एंड जैसे ट्रू फॉल्स में एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स है, वैसे एक भी जीरो होगा तो आंसर जीरो है. वन जीरो भी जीरो आएगा. लेकिन एंड गेट तभी हाई इनपुट आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट्स हाई है. करेक्ट. दिस इज हाउ वी जनरली राइट. इन मैथमेटिक्स वी कॉल इट इन दिस वे पी एंड क्यू. ये एंड का नोटेशन था. वैसे यहाँ पे एंड का नोटेशन है डॉट. वी यूज अ डॉट. सो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू a डॉट b. a डॉट b. y इक्वल्स टू a डॉट b इज द नोटेशन. ओके. और इसका सिंबॉलिक नोटेशन भी है. इसका सिंबॉलिक नोटेशन भी था जैसे एंड का, वैसे इसका सिंबॉलिक नोटेशन कैसे है देखो. वी राइट इट इन दिस वे कि ये अगर इनपुट ए है ये इनपुट बी है तो एंड गेट को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एंड में से डी लेके, ये डी जो है आई विल राइट दैट डी ओवर हियर. केयरफुली ऑब्जर्व करो. दिस एंड का डी यूज कर दिया यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट. व्हाट इज आउटपुट? ए डॉट बी. ये वन 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 जीरो, एक भी जीरो, आंसर जीरो, एक भी जीरो, आंसर जीरो. इवन इफ यू फाइंड ये जीरो है, अब ये कुछ भी रहने दो, जीरो रहने दो, वन रहने दो, आंसर विल ऑलवेज बी जीरो. सो दिस इज व्हाट एंड गेट इज. वैसे ही और गेट होता है. और गेट में क्या होता है टेल मी? ए बी, तो ये आउटपुट होता है. और में इफ एक भी वन होगा, देखो दोनों जीरो है तो जीरो है, एक भी वन होगा, इवन इफ अ सिंगल इनपुट इज वन, आउटपुट विल बी वन. हाई होगा आउटपुट, वन मतलब हाई. वन जीरो इज स्टिल वन, वन वन इज ऑल्सो वन. ओके. और गेट में, और गेट में द रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिक्स वॉज P or Q. This was the notation of OR. But this time, the notation of OR is basically addition plus A plus B. This is the notation. Correct? और इसका symbolic form देखो. Now you will say कि भाई इससे D लिया, इससे क्या लेंगे OR से? तो इस OR से we take R. देखो कैसे R लिया. Can you see this is R? Okay? ये R है ना? ये R है. इसमें से if you just take this part, you will find this type of shape. And if these two are inputs A and B, what is the output? Output is A plus B. Even if a single input is 1, एक भी input high होगा, तो answer will be high. Irrespective दूसरा क्या कर रहा है. मतलब if I say 1 और ये पता नहीं, answer is 1. Clear? A 0, ये पता नहीं, answer is, ये जो होगा, ये वो होगा. ये 0 होगा, तो ये 0 होगा. ये 1 होगा, तो ये 1 होगा. Clear? We have done lots of these things in mathematical logics. So, I don't think ki isme zyada detail mein jaane ki zarurat hai. Not gate is basically negation type of thing. Not gate. Negation of A. Jaise yahan pe not mein kya representation hai? Bar hai. A, to A bar. 0, 1, 1, 0. Kya notation iska? Notation hai triangle. Yaise triangle hai. Right? So, AND gate, OR gate, NOT gate. Ab inka agar negation kiya, AND ka negation kiya, then we get a NAND gate. Correct? We get a NAND gate. What is a NAND gate? NAND gate is basically AND gate के आगे लगाना है NOT gate. So इसका symbol, combined symbol क्या होता है इसका? Combined symbol बन जाता है ऐसे D और ये triangle गायब हो गया, ये goal. This is NAND gate. NAND gate में Y will be A plus B bar का dash, मतलब negation, और ये NOR gate हो जाएगा. This will become a NOR gate. NOR gate में यहाँ पे AND gate लगाना है OR के बाद. So इसका simplified version कैसे होगा? It will be, this triangle will go, only dot आएगा यहाँ पे. So Y is equal to A plus B का bar. Clear? और इसके outputs change हो जाएंगे ना भी. So AND में एक भी zero answer zero है, तो एक भी zero answer zero है, तो ये 1110 हो जाएगा. और ये क्या होगा? 1100. Correct? So this is how AND, NAND, NOR, all these gates are. There are more gates like XOR, XNOR, but we don't have those gates in our syllabus. So this is what we have in our syllabus. This is all about logic gates. Okay? So this lesson, semiconductors and uska transistor part is completed. Now we will just solve few MCQs which were asked in previous previous year CET examination. Okay, so now we will solve some MCQs which were asked in previous year MHTCET exams, such as first these two questions are asked in 2019 MHTCET. 2019 में बहुत sets थे, उसमें से एक set में दो question, remember दो question आते हैं every year. So ये दो question 2019 के हैं और ये दो question 2018 के हैं. इसके बाद 2017 and 16 के solve करेंगे.
देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम करो कि डायोड आइडियल है. आइडियल डायोड मतलब जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है. अज्यूम आइडियल इज, अज्यूम द डायोड इज आइडियल एंड द करंट इन द अरेंजमेंट इज, व्हाट इज द करंट इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट. अरेंजमेंट नाउ सी डायोड तो एज गुड एज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है. इस सर्किट में करंट फ्लो होने वाला है या नहीं होने वाला. तो इस सर्किट में ये पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल. सो ये फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस में डायोड आइडियल है, इसलिए उस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. पूरा इट इज एक्टिंग एज अ क्लोज्ड स्विच, इट इज एक्टिंग एज अ गुड कंडक्टर. रिवर्स में इट एक्ट्स एज अ ओपन स्विच, इट एक्ट्स एज अ बैड कंडक्टर. सो ये फॉरवर्ड बायस में अभी देखो इनके दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. वी इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला यूज किया तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है. इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो होगा तो वो कैलकुलेट करना है, इनटू रेजिस्टेंस 100 है. सो 100 से डिवाइड करने पे क्या आएगा आंसर, 2 बाय 100 है मतलब 0.02 एम्पियर विच इज 20 मिली एम्पियर. करेक्ट, 2 बाय 100 मतलब 2×10⁻²⁺ एम्पियर, जिसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने पे इट विल बिकम 20 मिली एम्पियर. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज बीटा. सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन वॉज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये 54 सेकेंड का जो टाइम है ना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा टाइम बचाएंगे. दिस क्वेश्चन कैन विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व इट. वॉट इज बीटा डी सी? नाउ वी नो वॉट इज बीटा, बीटा एंड अल्फा. ट्रांजिस्टर में वी हैव सीन करंट रेशियोज. ये डी सी नॉर्मली लिखते हैं बिकॉज ये ट्रांजिस्टर्स या फिर डायोड्स ये सभी भी डी सी पे वर्क करते हैं, ओके, डायरेक्ट करंट पे. सो ये बीटा डी सी क्या है? तो बीटा डी सी है, रिमेंबर द फॉर्मूला, वॉट इज बीटा? इट इज आई सी बाय आई बी. सो इसमें से कौन सा करेक्ट है? आई सी बाय आई बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, आई सी बाय आई बी, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. करेक्ट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन था, फॉर्मूला था. ये थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, फोर्थ क्वेश्चन थियरी है. ये फोर्थ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं. विथ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? जैसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट हैपेंस, टेल मी, डिप्लीशन लेयर का साइज इंक्रीज होता है क्या? तो फॉरवर्ड बायस में तो उल्टा डिक्रीज होता है डिप्लीशन लेयर. सो ये रॉन्ग है. पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है क्या? नहीं, पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होता है, ये भी रॉन्ग है. इट एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच. फॉरवर्ड बायस में इट एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच और इट एक्ट्स एज अ ओपन स्विच. तो फॉरवर्ड बायस में डायोड इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कंडक्टर, मतलब वो क्लोज स्विच जैसे बिहेव करता है. यही अगर क्वेश्चन होता था रिवर्स बायस तो आंसर आता था इट विल एक्ट एज अ ओपन स्विच, एज वेल एज ये ऊपर के ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते थे फिर रिवर्स बायस में. फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर का साइज कम होता है, बैरियर पोटेंशियल कम होता है और इट एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच. ये तीनों करेक्ट होते, ये तीन ऑप्शंस है. इसमें ऑप्शन है सी, एक्चुअली ये ऑप्शंस, दीज थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग. फॉर फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच. एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज न्यूमेरिकल. देखो न्यूमेरिकल्स में ये न्यूमेरिकल ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन है. व्हाट इज द क्वेश्चन सी? क्वेश्चन है कि लोड रेजिस्टेंस इज गिवन 2 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज गिवन 150 ओम. द चेंज इन बेस करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर, द चेंज इन कलेक्टर करंट इज 1.5 एम्पियर. व्हाट इज वोल्टेज गेन? डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन? मैंने बताया एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर क्या करता है? वोल्टेज इंक्रीज करता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसको बोलते हैं गेन. और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज होता है लोड रेजिस्टेंस इनटू आउटपुट करंट जो आईसी कंसीडर करते हैं, डेल्टा आईसी या आईसी. वैसे ही इनपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट करंट विच इज डेल्टा आईबी और आईबी, बेस करंट. ये चारों दिया है. देखो व्हाट इज कलेक्टर करंट गिवन? कलेक्टर करंट इज 1.5 मिली मतलब 10⁻³ इनटू व्हाट इज लोड रेजिस्टेंस 2 किलो मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय व्हाट इज बेस करंट? बेस करंट इज 20 माइक्रो मतलब -6 इनटू व्हाट इज इनपुट करंट, व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस? इनपुट रेजिस्टेंस इज 150 ओम. सॉल्विंग दिस प्रॉपरली 10⁻³, 10⁻³ विल कैंसिल. ये हो जाएगा 2×1.53 डिवाइडेड बाय ये 150 और ये 20 मल्टीप्लाई करके देखो 115 × 2 = 30 और ये दो जीरोस इंटू 10⁻⁶. सो ये दो जीरोस मतलब 1/1000 10⁻³ होता है, ये 10⁻³ बचेगा ऊपर जाने पे 10⁻³ बचेगा. सो दैट इज 1000. दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल ऑन द ट्रांजिस्टर. ओके, दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018 एग्जाम. सो 2019 के दो क्वेश्चन, 2018 के दो क्वेश्चन, अब 2017 एंड 2016. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस, these two questions are asked in 2017 CET exam, whereas these two questions are from 2016. Very simple questions,
सी फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर्स के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा अल्फा. व्हाट वी हैव सीन इज 1 बाय अल्फा इज 1 बाय बीटा माइनस 1 सॉरी प्लस 1 करेक्ट. वी हैव सीन दिस रिलेशन. सो अगर 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा लिखा तो 1 बाय 1 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा अल्फा इज 1. सो ऑब्वियस चॉइस वुड बी 1. दिस इज हाउ यू सॉल्व द फर्स्ट वन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन देखो. फोटोडायोड इज अ डिवाइस. रिमेंबर व्हाट इज अ फोटोडायोड. इट सेंसेस लाइट. फोटोडायोड इज अ डिवाइस विच ऑलवेज ऑपरेट्स इन अ रिवर्स बायस. वी हैव सीन दिस. रिवर्स में ही वो वर्क करता है फॉरवर्ड में नहीं. रिवर्स में वर्क करता है. ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड नो. ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड और रिवर्स नो. फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नो. फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बताया तुमको ये. सो ये ऑप्शन भी गलत है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. 2017 के बोथ द क्वेश्चंस और हार्डली 5 और 10 सेकंड्स वाले क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2016 CET. इन ऑसिलेटर फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस बर्कहाउसेन्स क्राइटेरिया ए इनटू बीटा इज व्हाट. रिमेंबर व्हाट इज ए. एएफ क्या है. गेन. गेन विथ फीडबैक. गेन विथ फीडबैक इज गेन अपॉन 1 माइनस बीटा इनटू ए. व्हेन डिनोमिनेटर बिकम्स 0 मतलब बीटा इनटू ए बिकम्स 1 तब जाके सस्टेंड ऑसिलेशन एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी. एंड द लास्ट पॉइंट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंबल ऑफ एलईडी. कैन यू टेल मी व्हाट इज सिंबल ऑफ एलईडी. ऑब्वियस चॉइस इज बीटा. एरो शुड कम आउट. ये किसका है फिर. ये तो नॉर्मल डायोड का है. ये फोटो डायोड का है. लाइट इज कमिंग इन लाइट इज गोइंग आउट. और ये किसका भी नहीं. वन लाइट इज कमिंग वन लाइट इज गोइंग. सो ये तो किसी का भी नहीं. ऑप्शन इज बीटा. सो दीज वर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस फोर ईयर्स 2016 टू 19 सीईटी एग्जाम्स. यू कैन जस्ट सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन. जो कवर किया है उतना ही परफेक्ट करो. दैट्स इट. क्लियर.